Om Purnamadaha Purnamidam Purnah Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shantihi Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shantihi. मंगलाचरण के बाद भगवान शंकराचार्य जी ने ग्रंथ की प्रस्तावना की है, तो पहले मंत्र से उपनिषद प्रारंभ होता है। ईशावास्य मिदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। लेकिन इस मंत्र के पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भाष्यकार ने ग्रंथ से इसकी संगति लगाने की बात कही है, मतलब ग्रंथ की प्रस्तावना में इसकी संगति कैसे लगेगी। संगति का मतलब ये हुआ, आपने जैसे पहले यह बात जानी कि ये यजुर्वेद का 39वां अध्याय था, ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद का यजुर्वेद है 40वां, तो 40वां जो अध्याय है यजुर्वेद का वो ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है। लेकिन मन में प्रश्न आता है कि आखिर फिर 39 अध्याय तक क्या पढ़ाया गया, ठीक है ना। तो मैं प्रारंभ करूं इसका भाष्य का, क्या कीजिए पहले पाठ कीजिए फिर इसका अर्थ देखते हैं, मेरे बाद इसको आप दोहराइएगा ध्यान से देखिएगा, है ना। संस्कृत ईशावास्यम इत्यादयोः मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः कर्मसु अविनियुक्ताः तेषां कर्मसु शेष्यात्मनः याथात्म्यं प्रकाशकत्वात् याथात्म्यं च आत्मनः शुद्धत्व अपापविद्धं एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व सर्वगत्वादिवक्षमाणं तच्च कर्मणा विरुद्धेति युक्तः एवैषां कर्मत्वविनियोगः नहि वक्षलक्षणा आत्मनो याथात्म्यं उत्पाद्यं विकार्यं
आप्यं संस्कार्यं कर्तृभोक्तृरूपं वा येन कर्मशेषता स्यात् सर्वासाम् उपनिषद उपनिषदात्म याथात्मनिरूपेण सर्वासाम् उपनिषद आत्मा आत्मतया याथात्म्यनिरूपेण उपक्षया गीतानां मोक्षधर्माणां चैव परत्वात् तस्माद् आत्मनः एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्ध अपाप विद्धत्वादि च उपादाय लोकबुद्धि सिद्धं कर्माणि। पुस्तक की ओर देखो ना, मेरी ओर नहीं दे। यो हि कर्मफलेनार्थो दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादिना अदृष्टेन स्वर्गादिना च द्विजाति अहम् न काण्यकुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्म काण्यकुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान इत्यात्मानं मन्यते सोधि क्रियते कर्मस्वति अधिकार विदो वदन्ति तस्मादेते मन्त्राः आत्मनः याथात्म्य प्रकाशनेन आत्मविषयं स्वाभाविकं अज्ञानं निवर्तयन्तः शोकमोह आदि संसार धर्म विच्छित्त साधना साधनं आत्मैकत्वादि विज्ञानं उत्पादयन्ति इत्येव उक्तादि कार्य अविधेय संबंध प्रयोजनान् मंत्रान् संक्षेपतो व्याख्यास्यामः। जैसे मैंने कहा अभी कि यह जो भाष्य पढ़ा, यह भाष्यकार ने संगति बताने का प्रयास किया है। उन्हें संगति किस बात की बताने का प्रयास किया, क्योंकि जो आपके हाथ में ईशावास्य उपनिषद है वह शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, लेकिन जो गंभीर साधक है, जो थोड़ा सोचता है, विचारता है, उसके मन में एक प्रश्न आ सकता है, आखिर 39वें अध्याय तक क्या बताया गया कि जो एकदम से 40वें अध्याय में बताया जा रहा है।
मतलब 39वें अध्याय की संगति 40वें अध्याय से कैसे जुड़ेगी, क्योंकि आपके सामने 39 अध्याय तो है नहीं। तो 40वें का जो विषय है वह पूरे 39 अध्याय से कैसे आपस में जुड़ेगा, इस बात को बताने के लिए भाष्यकार ने यह संगति भाष्य लिखा है। जैसे कि समझाने के लिए आपको उदाहरण देता हूं, कोई रामचरितमानस को पढ़ता होए तो उसको पता है कि किष्किंधा कांड में राम और सुग्रीव की मैत्री हुई है, और राम और सुग्रीव की मैत्री के बाद क्या हुआ है, सुंदरकांड आया है। तो जो प्रारंभ से पढ़ता है उसको यह बात पता है कि सुंदरकांड के पहले किष्किंधा कांड आया है और उसमें यह विषय वस्तु है, और यह विषय वस्तु सुंदरकांड से ऐसे आपस में जुड़ती है। अब क्या हो गया, आपके पास भी सुंदरकांड की एक पुस्तक होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लेकिन जो सिर्फ सुंदरकांड पढ़ता है संभवतः उसको यह कुछ भी नहीं पता है कि किष्किंधा कांड में क्या आया है, इसके पहले कितने कांड हो चुके, और जो सुंदरकांड प्रारंभ हुआ उसका पहले वाले कांड से आपस में क्या संबंध है। तो यदि वह अच्छा अध्ययन करना चाहता है तो क्या करेगा, फिर तो पूरा तो पढ़ नहीं सकता, तो कम से कम वह इन चीजों को जानने की कोशिश करेगा कि किष्किंधा कांड में पहले क्या हुआ है, और फिर उस किस में प्रवेश कर जाएगा। वरना तो सुंदरकांड को अब सिर्फ लोगों ने क्या कह दिया कि हनुमान जी की पूजा करनी है तो सुंदरकांड करो, हनुमान जी का कोई अध्याय है तो सुंदरकांड है, तो ये तो आपने क्या कर दिया, एक सीमित कर दिया ना। और कई लोगों को तो लगता है कि हनुमान जी के लिए ही सुंदरकांड है। अच्छा, हनुमान जी के लिए ही सुंदरकांड है तो विभीषण की शरणागति कहां हुई, सुंदरकांड, तो वह विषय कहां गया, फिर समुद्र की शरणागति हुई किस कांड में, सुंदरकांड। तो ये किसने कह दिया आपसे कि हनुमान जी के लिए, बनता है ना, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक पतली पुस्तक ले ली और सुंदरकांड, ये गलत नहीं है ध्यान रखना, लेकिन वह व्यक्ति का जो अध्ययन है वह पूर्ण नहीं माना, उस व्यक्ति के अध्ययन में गहराई नहीं आ सकती, क्योंकि उस बेचारे को यही नहीं पता कि किष्किंधा कांड से यह सुंदरकांड कैसे जुड़ रहा है। इसी तरह से ये 40वां अध्याय चालू हो गया, कौन सा, तो 40वें अध्याय का पहला जो मंत्र है वो क्या है, ईशावास्यम विरगम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन बुंजिथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम्। ये चालू तो हो गया, तो अब उस जिज्ञासु के मन में क्या आएगा कि इसके पहले क्या था, और कम से कम 39वें अध्याय में क्या था यह तो कोई बताए, तो मैं 40वां अध्याय पढ़ूं। तो उत्तर दिया गया, 1 से 39 अध्याय तक कर्मों की बड़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला बताई गई, कर्मों के दृष्ट फल और कर्म के अदृष्ट फल को बड़े विस्तार से समझाया गया। किस अध्याय तक, 1 से 39 अध्याय तक,
तो एक से 39 अध्याय तक कर्म के दृष्ट फल और कर्म के अदृष्ट फल के बारे में विस्तार से समझाया गया, ठीक है ना? ये पूरा वर्णन आया। अच्छा, अब ये बात हो ही रही थी तो बोलते हैं, तो फिर अभी तक जिसका प्रकरण था वो सब प्रकरण किसका था? कर्म का प्रकरण था। तो अब आप ये भी सुन लीजिए, वेदव्यास जी के ही एक पुत्र हुए जैमिनी ऋषि, जैमिनी, उन्होंने सूत्र का प्रतिपादन किया, ये समाज में बहुत फेमस है, याद कर सके तो याद कर लीजिए ये सूत्र। यह सूत्र बहुत ही प्रचलित सूत्र है, हाँ उन्हीं के लिए जो थोड़ा अच्छे से पढ़ते लिखते हैं। जैमिनी ऋषि ने एक सूत्र प्रतिपादित किया, वह सूत्र ये है, आमनस्य क्रियार्थत्वात् तद, मिल रहा है आमन, ये अध्ययन में होगा, जिनके पास वो वाली पुस्तक है, कौन वाली, कैलाश आश्रम की, उसमें ये दिया है, तीसरी पंक्ति देखिएगा हिंदी की, जिनके पास कैलाश आश्रम की है उनके लिए कह रहा हूं, लिखा है उसको सुधार सकते हैं, मतलब कॉपी में उसको देख के लिख सकते हैं। मंत्र क्या दिया जैमिनी ऋषि ने, आमने यस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये सूत्र है। उसी भाई जो पढ़ा रहा हूं मैं, तीसरा ही तो पढ़ा रहा हूं, मिल गया सूत्र क्या है, आमना यस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम तद अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये सूत्र है। बोले महाराज इसका अर्थ क्या हुआ, देखो क्या अर्थ बोलते हैं, अनर्थक्यम, बोले इसका अनर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है, उन मंत्रों का कोई अर्थ नहीं है, अनर्थक्यम, उन मंत्रों का कोई अर्थ नहीं है, यूजलेस है। बोले कौन से मंत्र, बोले अतदर्थानाम, जिन मंत्रों को कर्म में विनियोग नहीं किया जा सकता। बनता है, बहुत सावधानी से सुनिएगा, जिन मंत्रों का प्रयोग कर्मों में नहीं किया जा सकता, जिन मंत्रों का प्रयोग कर्म में नहीं है, मतलब क्या हुआ, वह मंत्र जो कर्म को न कराए, वह मंत्र है क्या, बोले अनर्थकारी है, अनर्थकारी मतलब क्या हुआ, यूजलेस है। बोले कहां के मंत्रों की बात कह रहे हैं आप, अपने रचित मंत्रों की, बोले नहीं महाराज, आमना यस्य, आमना है मतलब होता है वेद, आमना है मतलब होता है वेद, ठीक है, तो वेद के वह मंत्र नहीं हो तो पूछिएगा तुरंत, वेद के वह मंत्र आमना यस्य अनर्थक्यम, वेद के वह मंत्र अनर्थ है, कोई अर्थ नहीं है, यूजलेस मंत्र है। बोले वेद की कह रहे हैं आप, बोले हाँ वेद की बात कह रहा हूं, किन मंत्रों को, बोले अतदर्थानाम, अतदर्थानाम मतलब जिनको, तद मतलब कर्म, जिनका कर्मों में विनियोग प्रयोग नहीं हो सकता, मतलब क्या हुआ, ऐसे मंत्र जो आपको कर्म में न लगाएं, हाँ मतलब कर्म में ही लगाएं, अब जो कहना हो कह लो आप, बट कुछ करने के लिए लगाएं,
कुछ करने के लिए कहें तो वो मंत्र ठीक है, लेकिन कुछ करने के लिए न कहें, सिर्फ बातें ही करें और कह दिया जाए, सिर्फ बुद्धि का प्रयोग करें, सिर्फ बुद्धि की बातें करें, तो बोले ऐसे मंत्र हाँ अनुपयोगी हैं। देखो जी, मतलब ज्ञान तो सार्थक तब है, ज्ञान सार्थक तब है जब वह कर्म में विनियोग करे, शब्द देखिएगा, कर्म में प्रयुक्त करे, कर्म में नियुक्त करे, अभ्यास में नियुक्त करे, वह ज्ञान जो कर्म में नियुक्त करे, विनियोग करे, ऐसा ज्ञान, ध्यान रखिए, और उल्टा कर लीजिए, जो ज्ञान आपको कर्म में न लगाए हाँ वह अनर्थकारी है। कहाँ के मंत्र बुकवा वेद के, बोले हाँ आमना यस्य। महाराज इस पे इंटेलेक्चुअल क्लास में ऋषि मुनियों में खूब डिस्कशन हुआ, इस पे बड़े बड़े ग्रंथ आ गए, बड़े बड़े ग्रंथ हैं। इस सिर्फ किस सूत्र पे, इसी सूत्र पे, ये समाज में विभाग भी है, अभी आपके सामने रखता हूँ, वह सूत्र यही है, आमना यस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम। यह पंक्ति समझ में आ गई, तो यही तो ये कह रहा है, अनर्थकारी मतलब समझिए यूजलेस है। किसी ने कहा महाराज आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बात बोलते हुए, जो सच है बोले वही बोल रहा हूं। अच्छा ये बात कौन बोल रहा है, जैमिनी, अरे जैमिनी ऋषि के वंशज, इनके वंशज कौन है, भगवान वेदव्यास। देखो तो बोले एक काम कर लो, यदि इनको अनर्थ से बचाना है तो ये ज्ञान व्यान में तो प्रयोग होते नहीं है, कौन उपनिषद, प्रहार किस पे है, उपनिषदों पर। यह जो उपनिषद हैं ये किसी कर्म में नहीं लगाते, और बोले व्यक्ति को निठल्ला बनाने के हवाला सिर्फ बुद्धि की बातें करते हैं, इनको कुछ नहीं आता। अगर इन मंत्रों का औचित्य सिद्ध करना है, इन मंत्रों को थोड़ा बहुत तुम ये चाहते हो कि ये बने रहें, तो एक काम कर लो, मैं तुमको दूसरी ट्रिक बता रहा हूं, ये कभी कर्म में तो प्रयोग आएंगे नहीं। कौन से मंत्र, ये उपनिषद के मंत्र, उपनिषद के मंत्र कर्म में तो कभी प्रयोग आएंगे नहीं, तो मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूं। कौन कह रहा है, ऐसा करो, इन मंत्रों को ऐसा कह दो कि ये आवृत्ति या मन की शांति, और बोलिए जब हवन पूजा पाठ होता है तो जो बीच का मध्याह्न का समय खाली रहता है उस समय में यह मंत्र बोलने के लिए है, तो इसकी संगति ठहर जाएगी। देखो आप कैसे बता रहा है, वो क्या कह रहा है, इन मंत्रों को तब बोला जाता है, किन मंत्रों को, उपनिषद के मंत्रों को तब बोला जाता है जब हवन हो जावे और खाली समय बचा हो, तो इन मंत्रों का क्या करो, उच्चारण कर लो। बोले उससे क्या होगा, बोले उससे यह कहो कि इन मंत्रों के उच्चारण से मन शांत होता है, व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, व्यक्ति में तेजस्विता आ जाती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में एकदम नया ढंग आ जाता है। हो तब लोग इस मंत्रों का क्या करेंगे, पाठ करेंगे। अदरवाइज इन मंत्रों का किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं है। यह है महाराज, अब ये बात देखो, यह बात भाष्यकार ने सुनी, भाई भाष्यकार मतलब शंकराचार्य, उन तक भी ये बात आई कि उन आपको पता है जिस समय
भगवान भाष्यकार का समय था, उस समय प्रभुत्व किसका था? बौद्धों का और कर्म कांड का बहुत महत्व था। बिना कर्म कांड के तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और उस समय सोचो आप भाष्यकार थे, तो लोगों ने उनसे बोला कि आप तो ऐसा समझिए कि किसी के आंख होवे लेकिन पैर ना होवे, लंगड़ा होवे। देखो उपमा क्या दी, आंख तो होवे लेकिन पैर ना होवे, तो वह कुछ देख भी लेगा तो क्या कर लेगा? वो देख भी लेगा जानता तो कर क्या पाएगा? क्यों, पैर तो है ही नहीं। तो कहा गया कर्म के बिना ज्ञान लंगड़ा है, ऐसा कहा गया। देखो क्या उपमा दी गई, कर्म, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं अभी ये याद रखना, संगति लगा रहा हूं मैं, ईशावास से क्यों प्रारंभ हो रहा है। तो 39 अध्याय तक कर्म की बात की गई, और जो जो मंत्र कर्म में विनियोग नहीं करते, विनियोग मतलब आपको नहीं लगाते कर्म में, ऐसा ज्ञान ऐसा मंत्र निरर्थक है। तो कहा गया कि ये तो कर्म के बिना वह जो ज्ञान है वह तो कैसा है, लंगड़े के समान है। देखो जी इसी को व्यक्ति कभी कभी कह देता है, इनको थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये समाज की उपमाएं दे रहा हूं मैं आपको, जो समाज के लोग बातें करते हैं, इनको बोले आता जाता कुछ नहीं है, इनको थ्योरेटिकल ज्ञान नॉलेज है, कुछ करते तो ये है नहीं, और बातें कह दो तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं थ्योरेटिकल ज्ञान की। ये किसके लिए कहा जा रहा है, जो लोग ज्ञान की बातें करते हैं, ऐसे समाज में लोग मिलेंगे आपको, आपके भी मन में कभी आ सकता है कि कर्म में तो कभी लगाते नहीं है। मैंने आपको कितनी बार कहा कि ये यज्ञ करो, ये हवन करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये तो कभी बोला ही नहीं। तो बोले फिर क्या अध्यात्म है क्या, जब आप यही सब कुछ नहीं बताते लोगों की नजर में, तो अब यही है अध्यात्म मतलब पूजा पाठ हवन, तो कोई बोले बात हुई। अच्छा भाई बोले इनको थ्योरेटिकल नॉलेज है, अब क्या कहोगे आप, थ्योरेटिकल नॉलेज बोले बौद्धिक व्यायाम है। ये शब्द दिया गया, जैसे शरीर के लिए प्राणायाम है, ऐसी बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए बौद्धिक व्यायाम है उपनिषद। जो ज्ञान के मंत्र हैं वह बौद्धिक व्यायाम के सिवाय कुछ नहीं। अच्छा इसको कहते हैं अपनी भाषा में बोलूं फलोत्पादिका नहीं, ज्ञान के मंत्र किसी फल का उत्पादन तो करते नहीं है, तो यह फलोत्पादिका नहीं है। कौन किसके लिए कहा जा रहा है, ये ज्ञान के लिए का। और अच्छा ये भी देख लो आप, आज आप भी यही कहते होंगे, कहना पड़ता है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, जॉब ओरिएंटेड है, नहीं है। बोले ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा जिससे कोई नौकरी, ये कौन बोलता है, हम ही लोग तो बोल रहे हैं, ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं आप, आमना यस्य क्रियार्थत्वात् तदर्थम् अनर्थानाम्, आप ही कह रहे हैं दूसरे वे में कह रहे हैं। तो महाराज किसी ने मान लो पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी ये सब पढ़ा, सोशियोलॉजी पढ़ी किसी ने, सोशियोलॉजी पढ़ा मैं, ये यूनिवर्सिटी में कोर्स होते हैं। अब सोशियोलॉजी पढ़कर उसको क्या मिलेगा आज के जमाने में, पॉलिटिकल साइंस पढ़कर क्या मिलेगा,
और कह लें संस्कृत पढ़ के, संस्कृत पढ़कर पीएचडी कर लें। हमारे सामने है महाराज ऐसे लोग। अब बताओ आखिर उनको वह जो मिलना चाहिए वो जॉब तो नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? क्या कहेंगे आप? बोले आपको सब है लेकिन कुछ करना नहीं आता, कुछ आता जाता नहीं है। और एक छाता बनाने वाला 200 रुपए कमा लेता है, एक सूटकेस ठीक करने वाला 200-300 रुपए कमा लेता है, लेकिन सोशियोलॉजी पढ़ाने वाला व्यक्ति हाँ निठल्ला है। उसकी फाइल भी कहीं जाएगी तो आदमी कहेगा डिग्री तो बहुत अच्छी है आपके पास में है, बट आप किस काम के हो ये बताओ। कोई फाइल बना सकते हो, कुछ जोड़ सकते हो, कोई एप्लीकेशन लिख सकते हो, कहीं बात कर सकते हो, कोई कम्युनिक कोई स्किल है तुम्हारे पास में, तो वह विद्यार्थी क्या कहेगा? अच्छा इसका मतलब हम भी क्या चाह रहे हैं दूसरे अर्थों में, हम भी तो यही चाह रहे हैं कि जो ज्ञान है भाई, ये व्यक्ति एमबीए क्यों करना चाहता है? मुझे ऐसे कोई विद्यार्थी नहीं दिखे जो ये कहे कि मैं अध्ययन के लिए एमबीए करना चाहता हूं, कोई तो ऐसा नहीं दिखता। सब क्या चाहते हैं? पैकेज मिल जाए, पैकेज बढ़ जाए, नौकरी लग जाए, इसलिए एमबीए। बी से भी नहीं काम बनता उसके बाद एमबीए करो। तो आप क्या चाहते हो कि जो विद्या है उस विद्या को कहीं कर्म में लगा कर धन का उत्पादन कर सकूं? तो यही तो बात कही जा रही है। तो जैमिनी ऋषि ने भी तो यही बात बोली। आप समझ में आता है ना पूरी ये बात जो उन्होंने कही? वो मैं आपको अपनी भाषा में ये चीज मैंने समझाई कि ऐसा ज्ञान से क्या फायदा जिसका कहीं आप कोई उपयोग नहीं कर सकते भाई। आपने दुर्गदर्शी विवेक पढ़ा, क्या उपयोग कर लेंगे? क्या उपयोग कर लेंगे? गीता के 18 अध्याय पढ़ ली, क्या कर लेंगे? और आपको तो कोई लेक्चरर भी नहीं बनाएगा, प्रोफेसर भी नहीं। गीता का तो कोई लेक्चरर होता नहीं प्रोफेसर, सोचो आप। तो जितना अध्ययन था वो सब क्या हुआ? अनर्थ। ये कौन कह रहा है? जैमिनी ऋषि क्यों कह रहे हैं? 39 अध्याय तक बोले कर्म की बात हुई है, ये 40वां जो अध्याय है यह अनर्थकारी है। हाँ हाँ उपदेश साधु लोग तो सबसे निठल्ले, उन्हीं को तो कहा जा रहा है, और किसको कहा जा रहा है? वो भी जो कर्म कांड करते हैं, वो कर्म कांड से व्यक्ति चाहता क्या है? कर्म कांड से चाहता क्या है? किसी पंडित जी से पूछना कभी, उनको बहुत अच्छे से प्रणाम करना, कह देना बस हो गया, तो अगली बार आपके बुलावे पर नहीं आएंगे। और बनाए आप उनको खाना पीना कितना भी दे दो, अगर आपने उनको धन कैश में नहीं दिया तो आपका दाल चावल आपके पास ही छोड़ के चले जाएंगे। और क्या बताऊं, अभी की बात नहीं है, माधोगी 10-12 साल पहले की। एक पंडित जी थे, उनका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा था, तो उनकी जो पत्नी थी, मैं उनसे मिला, भाई क्या समस्या क्या है आपकी? बोले महाराज ये बताओ आप, ये 10 जगह से 4 रकम के काले चावल, पीले चावल, नीले चावल लेके आते हैं रात में, सुपारी लेके आ गए, छुआरा ले, और रात भर मैं इसको काले पीले नीले चावल को अलग करूं, ये इस व्यक्ति के साथ जिंदगी बिताऊंगी मैं? 10 रुपए लेके आते हैं दिन भर में, 20-50 रुपए, बच्चों की फीस भी, क्या बच्चों का दूध का पैसा भी नहीं दे सकती इस व्यक्ति के साथ, सिर्फ रात में इसके चावलों को अलग करूं मैं काले पीले नीले? महाराज
नहीं समझ में बात सही थी, आखिरी में किसी टेंट वाले के साथ चली गई हाउस में। अब आज वो चली तो गई, उसने जो समस्या बोली वो तो मेरे दिमाग में अभी तक है। आखिर ये व्यक्ति इतना कर रहा है, कि उसको अगर पैसा नहीं मिलता उसके बदले, कर्म कांड के बदले, तो करेगा क्या? पूछो उससे जरा, किसी कर्म कांड वाले से। तो वो भी कर्म कांड के बदले क्या चाहता है? धन। धन नहीं दोगे तो क्यों आएगा आपके पास में भाई? वो अब पहले के समय में धन नहीं चलता था तो अनाज चलता था, पशु चलता था, वो देते थे। खैर, अच्छा भाई, इतनी सब भूमिका मान ली मैंने कि इस बात के लिए जैमिनी ऋषि ने इस बात का विरोध किया है, इस बात को कहा है कि जिन मंत्रों का उपयोग कर्म में नहीं हो सकता वह सब मंत्र हाँ अनर्थकारी। कौन इतना चाहता है? आप 20 दिन बोले ध्यान लगा के बैठे हैं तो आदमी कहेगा 20 दिन के लिए क्या होगा, पहले ये बताओ मेरा। आजकल के किसी भी यंगस्टर्स को आप बोल के देखना, आपको समझ में, तो डील करता हूं ना, डेली डील करता हूं, वो बोलते हैं आखिर वैल्यू से मिलेगा क्या ये बता दीजिए, मेरा जीवन चल जाएगा। और ये नहीं, मुझे दुख ये बात होता है कई बार वो सही होते हैं, तो क्या बोलते हैं, दोष उनके माँ बाप में, उनके माँ बाप ने ऐसी बुद्धि भर दी है उनकी कि वो अच्छी बातें सीखकर बोले क्या करोगे, वो तो किताब में है, पढ़ लेना बाद में पढ़ लेना। वो माँ बाप कोई कम थोड़ी नहीं, मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं एक बात कहता हूं बार बार, फूल अगर खराब है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। फूल खराब नहीं होते, पक्का फूल खराब नहीं होते, फूल में कुछ कमियां आई हैं। कहां से आई वो कमियां? समाज ने दी, आपकी परवरिश में रही। सीधी सी बात यह है, आपको लगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उतना अच्छा आपने किया नहीं जो करना चाहिए, जो वैल्यू डालनी चाहिए वो वैल्यू तो डाली नहीं। अब हमारा इसमें क्या है, इसमें विरोध है इस विषय, हमारा खुद का चिन्मय मिशन का इंटरनेशनल स्कूल है, आपको पता है उसके लिए कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हमको यह ज्ञान भी सिखाना है लेकिन हर चार कमरों के आगे एक स्विमिंग पूल है और उसकी वो व्यवस्था है जो फॉरेन में भी नहीं मिलती, फॉरेन में भी वो व्यवस्था नहीं है जो हमारे यहां है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये करके नहीं रखेंगे और उन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं होगा तो आगे आने वाले समय में आपको बच्चे नहीं मिलेंगे। सिर्फ मैं तो देखता हूं कितने वो संस्कृत पाठशाला वेदशाला और जब चल रही है उसमें से कितने लोगों का भविष्य उतरा है, पीले कपड़े पहन के चोटी वोटी बांध के बेचारे मसाला खा के घूम रहे हैं विद्यार्थी, और क्या कर रहे हैं? आप पूछो कि 20 साल बाद शादी हो जाएगी तो अब क्या करोगे तुम? शादी हो जाएगी तो वो पत्नी को वही काले पीले चावल वाली समस्या आएगी? तो बात तो जैम नहीं ऋषि, लेकिन देखो तो अब मैं भाष्यकार ने पहले बोला मेरे लिए प्रमाण जैमिनी ऋषि नहीं है, मेरे लिए प्रमाण वेद के मंत्र है। पहला आख्या, मेरे लिए कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं हो सकता। पूछ लूं आपसे, व्यक्ति को प्रमाण मानेंगे तो दोष क्या आएंगे? ये आपने पढ़ा है अभी भी, बता सकता है कोई? चारो हाँ, प्रमा के लक्षण नहीं पूछ रहा हूं मैं, प्रमा के लक्षण नहीं पूछ रहा हूं मैं, प्रमाद आएगा, करणा पाटव आएगा, विप्रलिप्सा आए, ये कितने सारे दोष आएंगे, ये अब पिछला पढ़ा चुका हूं, इसमें मैं नहीं बैठूं।
ये हमारे लिए व्यक्ति प्रमाण नहीं है, तो जैमिनी ऋषि मेरे लिए कौन से प्रमाण हो गए? मेरे लिए प्रमाण कौन है? उपनिषद के मंत्र। बोले आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए उनके। देखो उन्होंने चालू किया है, क्या है जरा देखिए। ईशा ईशावास्यम, देखिएगा भाष्य शुरुआत से, ईशावास्यम इति आदयो मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः। ध्यान रखिएगा, विनियुक्ताः मत पढ़ लीजिएगा। अगर विनियुक्ताः पढ़ लिया तो जैमिनी ऋषि का प्रतिपादन हो गया। देखो कितना उल्टा हो गया। क्या पढ़ेंगे? आवि, संस्कृत आ जाएगी ना, ये जो स्व है, जो व है, ये उ बन जाएगा और इसके आगे अ आ जाएगा संस्कृत के अनुसार। ईशावास्यम, पुस्तक ग्रंथ एकदम देखते रहिएगा, वो निगाह हटी तो गया आपके हाथ से। ये आपके पास नहीं है क्या? ये नहीं, ये माता जी बैठी। आपका ग्रंथ कहाँ है? अरे ईशावास्यम इति आदयो मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः। देखो ये इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा। भाष्यकार ने कहा ईशावास्य आदि के जो मंत्र हैं वो कर्म में विनियुक्त नहीं होते हैं, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। प्रतिज्ञा मतलब वो नहीं, ये मेरे प्रतिपाद्य विषय है, इसका मुझे प्रतिपादन करना है। अच्छा जी, ये आपको मैंने पढ़ाया होगा पहले। वैदिक समय में ये जैसे आजकल ये चैनल में डिबेट करते हैं, ये करने का ढंग नहीं है। शास्त्रार्थ करने की परंपरा थी कि आपको जो बात कहनी है उसको कुछ शब्दों में कहिए, उसको बोलते हैं प्रतिज्ञा। क्या कहना चाहते हैं कहिए। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं इसके पीछे कोई तर्क है, उसको बोलते हैं हेतु। हेतु दीजिए, इसी को बोलते हैं तर्क। जो आपने हेतु दिया इसका कोई आपके पास दृष्टांत है? कोई दृष्टांत है इसके लिए? दृष्टांत दीजिए और निगमन कराइए कि आप कहां तक पहुंचे, क्या फिर आपका निर्णय आया। ये देखो ये परंपरा थी, पहले प्रतिज्ञा दीजिए, हेतु दीजिए, दृष्टांत दीजिए, उपनयन कराइए, निगमन कराइए। ये ऐसा था, कभी और इसको और बताएंगे आपको। ये बात करने का तरीका, अपने मन से कुछ भी बोले चले जाओ, बोले चले जाओ, वैदिक ऋषि कहता था नहीं, सीधे 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 एक एक लाइन पे बात करो, प्रतिज्ञा दीजिए। अब आप कभी पहले शास्त्रार्थ सुनिए ना, और आपको सुनना है शास्त्रार्थ तो हमारे यहाँ एक, अब जो टीवी पर एक एपिसोड आया था ना उपनिषद गंगा, उसमें अष्टावक्र एक संवाद है, एक हमने बनाया था मगर अष्टावक्र, उसमें शास्त्रार्थ है। उसमें सुनिए कैसे बोलते हैं, प्रतिज्ञा क्या है, हेतु क्या है, दृष्टांत क्या है, उपनयन क्या है, निगमन कराइए, बात खत्म, फिर अन्य विषय पे ऐसे चर्चा होती थी। भाष्यकार ने क्या दिया, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा मतलब प्रतिपाद्य विषय। प्रतिपाद्य विषय क्या है? ईशावास्यम इति आदयो मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः। ईशावास्य आदि के जितने मंत्र हैं ये कर्म में समर्थ नहीं है, इनका कर्म में कोई रोल नहीं है, अविनियुक्तासु। अच्छा जी, तेषां कर्म शेषस्य, देखिएगा भाषा, तेषां कर्म शेषस्य आत्मनः याथात्म्यम् प्राशकत्वात्। तो बोले ये जो मंत्र हैं ईशा आदि उपनिषद, वो ईशा वास्यम आदि
जो ईशावास्य आदि उपनिषद के जो मंत्र हैं ये क्या करते हैं, पीछे से खोलिए। हेतु दिया प्रकाशकत्वात्, यह मंत्र प्रकाशन करते हैं। पीछे से खोलिएगा मंत्रों को। प्रकाशकत्वात्, प्रकाशकत्वात मतलब ये मंत्र प्रकाशन करते हैं। बोले क्या प्रकाशन करते हैं? बोले याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। याथात्म्य मतलब क्या हुआ? जो चीज जैसी है उसका वैसा प्रतिपादन करते हैं। याथात्म्य मिलेगा, पीछे से शब्द खोलिएगा। हाँ क्या? अरे भाई ये तर्क हो रहा है ना। ये जो उपनिषद आदि के मंत्र हैं ये क्या करते हैं? प्रकाशन करते हैं। किसका प्रकाशन करते हैं? बोले जो चीज जैसी है उसको वैसा बताते हैं। अरे बोले जो चीज जैसी, किसकी जो चीज जैसी है वैसी? आत्मनः। पीछे से खोलते जाए एकदम, है ना। तो अब मंत्र क्या बन गया? आत्मनः याथात्म प्रकाशकत्वात्। आत्मा जैसी है, आत्मा का स्वरूप जैसा है, वैसा प्रतिपादन का कार्य ईशा आदि के मंत्र करते हैं। कोई कर्म में नहीं लगाते। जैसी आत्मा है उस आत्मा का वैसा प्रकाशन करते हैं उपनिषद के मंत्र। उसने पूछा उस विद्यार्थी ने, आत्मा कैसी है, क्या है आत्मा का याथात्म्य रूप? तो बोलते हैं कर्मसु, मिले कर्मसु अविनुक्तासि तेषां कर्म। मिल गया, मिल गया। ये पहली पंक्ति, कर्म शेष, आत्मा कर्म शेष नहीं है, ये वाक्य समझना है आपको, यही प्रमुख है। आत्मा कर्म शेष नहीं है। बोले ये कर्म शेष नहीं है मतलब क्या होता है? आत्मा कर्म का हिस्सा नहीं है, आत्मा कर्म का शेष नहीं है। शेष नहीं है मतलब क्या हो गया? हिस्सा नहीं है। क्या है? देखो एक संबंध बना लीजिए, इसको बोलते हैं शेष शेषी संबंध। आपने कभी सुना हो, क्या बोलते हैं? शेष शेषी संबंध। इसी को, शेष शेषी संबंध को कभी कभी आपने दूसरा शब्द बोला है अंग अंगी संबंध। ये समझ लीजिए, फिर उस पर समझ में आता है, ये बाद में समझाऊंगा। ये आत्मा कर्म शेष नहीं है, इतना वाक्य बोला। बोले ये समझ में नहीं आया। बोले शेष मतलब होता है शेष शेषी होता है, बोले वो जानते हो? बोले नहीं जानता। बोले अंग और अंगी जानते हो? बोले हाँ जानता हूं। अंग और अंगी कौन हुआ? मैं कौन हुआ? अंगी। मेरे क्या हुए? तो हाथ पैर मेरे क्या हो गए? अंग। इसी तरीके से कर्म क्या हो गया? शेषी। कर्म क्या हो गया? शेषी। तो कर्म के अंग कौन हुए? कर्ता, भोक्ता, करण, संपादन, आपादान, संबंध, ये सब क्या है? ये सब कर्म के अंग हैं। शेषी कौन हुआ? शेषी कौन हुआ? कर्म। आत्मा का कर्म से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। देखो देखो क्या कहना जा रहे हैं। अच्छा तो क्या करता है? बोले आत्मा कई यथार्थ रूप का प्रतिपादन करता है, और जो आत्मा है वो किसी प्रकार से कर्म का कोई शेष नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है।
याथात्म्यम, देखो तो बोले आत्मा कैसा है, बोले मैं बताता हूं आत्मा का रूप कैसा है। याथात्म्यम जो आत्मना, देखो उसने पूछा तो आत्मा का यथार्थ रूप तो बताओ आप, तो कहता है शुद्धत्व। ये तोड़ तोड़ के पढ़ते जाइएगा, एक बार ये पढ़ लीजिए फिर अर्थ समझाते हैं। आत्मा कैसी है, बोले शुद्धत्व, मिल गया अपाप बुद्धत्व। कितने लक्षण हो गए, आत्मा शुद्ध है, आत्मा में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। एकत्व, आत्मा कैसी है, एक। नित्यत्व कैसी है, नित्य। अशरीरत्व कितना है, अशरीरी। फिर क्या, सर्वगतत्व। ये इतने लक्षण बता दिए किसके, रगिना ये क्या क्या बनाया गया है, कितने हैं लक्षण, कितने, छह है ना। ये आत्मा के छह लक्षण हैं, शुद्धत्व, अपाप बुद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व आदि। सर्वगतत्व आदि, बोले आदि मतलब और लेने, बोले तुम अपने मन से मत लो आदि, आदि तुम अपने मन से मत लो। वक्षमाणम आगे मैं कहूंगा, देखो भाष्यकार क्या कहे, अपने मन से तुम मत लो आत्मा के लक्षण, कुछ भी गलत कर दोगे। मैंने तुमको छह लक्षण बताए और आदि से मैं आगे वक्षमाणम, वक्षमाणम मतलब इन फ्यूचर, मैं बाद में तुमको क्या करूंगा बताऊंगा। अच्छा, तच्च कर्मणाम विरुद्धे थी युक्त एव एषम कर्मत्व, इससे आत्मा का आपस विरोध है। किसका, सीधी पंक्ति में कहा जाए आत्मा का और कर्म का आपस में विरोध है, प्रबल विरोध है। बोले क्यों विरोध है, बोले देखो बहुत सावधानी से सुनिएगा, कर्म से चार चीजें ही प्राप्त हो सकती हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा, इसको दिमाग में लाइएगा। कर्म से सिर्फ और सिर्फ चार चीजें प्राप्त हो सकती हैं, और पांचवी होवे तो बताइएगा। पहला, कोई चीज नहीं है और आपने मेहनत करके उसको पैदा कर दिया, तो किसके जरिए से पैदा किया, तो कर्म का एक फल ये है कि जो चीज नहीं है, जो चीज नहीं है, क्या नहीं है, अरे बोले खेती नहीं है, फसल नहीं थी, फसल को उसने उपजाया, शरीर नहीं था, कर्म के बदले शरीर लिया, बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो इसको क्या बोलते हैं, एक शब्द क्या बोलेंगे, एक शब्द क्या बोलेंगे, उत्पाद्यम, उत्पाद्यम। ये याद हो जाने चाहिए जो चार है। कर्म का एक फल है उत्पाद्यम, कर्म से चीजों को पैदा किया जा सकता है और उन चीजों को पैदा किया जा सकता है जो चीजें पहले से नहीं है। ठीक है, क्या कहा गया इसको, उत्पाद्यम, जो चीजें पहले नहीं थी उसका उत्पादन करो। इंडस्ट्री क्या कर रही है, जो चीज नहीं थी उसका उत्पादन कर रही है। अच्छा, दूसरी विकार्यम, विकार करके भी कोई चीज को अच्छे से बनाया जा सकता है। किसी चीज का विकार कर दो, विकार कर दो मतलब उसमें कुछ परिवर्तन कर दो। ध्यान से देखना,
नष्ट करने को नहीं बोला है। बोलो, कोई भी व्यक्ति किसी चीज को नष्ट कर ही नहीं सकता, उसकी सत्ता तो विराजमान, नष्ट तो हो ही नहीं सकता। एग्जिस्टेंस कभी भी नॉन एग्जिस्टेंस की फॉर्म में नहीं आ सकता। एग्जिस्टेंस कभी भी नॉन एग्जिस्टेंस की फॉर्म में नहीं आ सकता। विनाशियम नहीं कहा है भाई। ऐसा स्वामी जी एक उदाहरण देते, मेरी डेस्क पे बहुत सारे लेटर पड़े हैं, बिखरी पड़ी है टेबल, तो मैंने ऐसा कहा कि भाई इसको ठीक कर दो टेबल को मेरी। तो आपने कहा ऐसा करते हैं, कुछ लेटर्स को फाड़ देते हैं, कुछ को आग लगा देते हैं, जला देते हैं। तो अब ये आग लगाने से, फाड़ने से थोड़ी चीजें क्या हो जाएंगी, व्यवस्थित हो गई कि नहीं हो गई? ये कैसे हुआ? ये विकार, विकार पैदा करने से। विकार भी किसके जरिए से करोगे आप? कर्म के जरिए से। बहुत बड़ी घोषणा है ये, अभी शायद आपको समझ में ना है। दुनिया भर में कर्म के इसके अलावा और कोई फल ही नहीं हो सकता। पहला उत्पाद्यम, दूसरा विकार्यम, तीसरा जो चीज पहले से है लेकिन आपको प्राप्त नहीं है, तो जाके क्या कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। भाई गाड़ी नहीं है आपके पास में, तो गाड़ी है बाजार में, आप मेहनत कीजिए और उनको पैसा दीजिए और वो आपको गाड़ी दे देंगे। गाड़ी का उत्पादन नहीं करना है आपको, गाड़ी पहले से बाजार में है, आप जाइए पैसा दीजिए और आपको वो गाड़ी दे देंगे। इसको क्या बोलेंगे? आप्यम, प्राप्त करना। आप्यम ये शब्द लिखा है आपके, देखो मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मिल रहा है, मिल रहा है। पहला उत्पाद्यम, उत्पाद्यम, विकार्यम, आप्यम हो गया। चौथा संस्कार्यम, किसी चीज को संस्कारित कर देना। भैया आप अपने बाल कटाते हैं तो क्या करते हैं, संस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? ये विवाह करते हैं ये क्या करते हैं, संस्कार करते हैं कि नहीं करते? यज्ञोपवीत करते हैं, ये भी क्या है, संस्कार। संस्कार मतलब किसी चीज में ऐसा मॉडिफिकेशन करना जिससे वह चीज उच्च चीज की ओर क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। अब मेरा आपसे प्रश्न है, कर्म से पांचवी और कौन सी चीज आप प्राप्त कर सकते हो वो बताओ। कर्म से और कौन सी चीज आप प्राप्त कर सकते हैं वो बताएं। आखिर कर्म से सोचो आप, और कौन से ऐसे फल है जिसकी प्राप्ति हो सकती है। निष्काम, निष्काम मेरा प्रश्न ही निष्काम नहीं है, तो आप क्यों ला रहे हो निष्काम? मैं तो कामना की बात कह रहा हूं, काम की। अरे तो मैं आपसे कहां कह रहा हूं कि हम मैं सिर्फ कर्म की बात कह रहा हूं ना, निष्काम विषय को विषयांतर क्यों करते हो आप? ना ना, आप ही तो बोले निष्काम। हाँ भाई, विषयांतर मत करो, किसी चीज की जो डेप्थ है वो चली जाएगी आपके। कर्म से आप क्या करोगे, जबरदस्ती फिलोसॉफिकल वर्ड लाके उस चीज को कुछ भी नहीं समझ पाओगे आप। कर्म से, एक्शन से क्या हो सकता है? व्यक्ति जो मेहनत करता है वो क्या कर सकता है आखिर? उत्पादन कर सकता है, विकार्यम कर सकता है, आप्यम कर सकता है, संस्कार्यम कर सकता है, और ऋषि कहता है पांचवी कोई चीज नहीं जो तुम कर सको। पांचवी कोई चीज नहीं है जो तुम कर सको। देखो जी, और
आत्मा में ये चारों ही नहीं है। वाह, ये कहना चाहते हैं। आत्मा ना तो उत्पाद्यम है, ठीक है, वाक्य समझ में आ रहा है, आत्मा ना तो उत्पाद्यम है, आत्मा ना तो विकार्यम है, आत्मा ना तो आप्यम है, ना तो आत्मा संस्कार्यम है। वाह, देखो कितनी सही बात कही, क्योंकि आत्मा आपको नित्य प्राप्त है। वहां तो कर्म करने से ही बात बिगड़ जाती है, जैसे ही कर्म क्या चंचलता आई, वहां तो ध्यान की अवस्था में यह भी कहा गया कि अब शब्द का उच्चारण भी मत करना। कहां पढ़ा आपने भी, ये देखो ये भी आप में चंचलता ला देगा। कौन, ये शब्द भी। समाधि के समय में शब्द बोलना भी चंचलता है। वाह, वहां तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना ही आत्मा की प्राप्ति है। लेकिन हमारी जो बुद्धि लगती है वो किसमें लगती है, कुछ करने में। अगर तुमने कुछ किया तो ये चार चीजें प्राप्त हो जाएंगी। क्या चीजें? उत्पाद्यम, आप्यम, संस्कार्यम। तो क्या? नहीं वक्ष, देखो नहीं मिल रहा है भाष्य, वक्ष लक्षण आत्मनः, आत्मन के या था, ये लक्षण नहीं है। नहीं, नहीं मिल गए आपको पांचवें नंबर पे, नहीं ये आत्मा के याथात्म लक्षण नहीं है। कौन कौन से? उत्पाद्यम, विकार्यम, आप्यम, संस्कार, कर्तृ भोक्तृ रूपम वा। ना तो आत्मा कर्तृ रूप है, ना तो आत्मा भोक्तृ रूप है। वा मतलब और, ये न कर, ये सब चीजें कर्म से प्राप्त की जा सकती हैं। सर्वासाम उपनिषद आत्मा, मिल गया, सर्वासाम उपनिषद आत्मा, आत्मा याथात्म निरूपेण, आत्मा के निरूपण के लिए यह चीजें कही जाती हैं। ठीक है, तो आज तो मैं आपको इसलिए अभी छोड़ रहा हूँ कि आज पहले दिन है भाष्य का। अब आप सोचिए इसमें कितनी एकाग्रता की आवश्यकता होगी। और अभी मंत्र तो प्रारंभ, अभी तो संगति भाष्य ही लग रहा है कि इससे यह मंत्र कैसे आपस में जुड़ा है। कौन सा मंत्र? ईशादि मंत्र। कल इसको देख लेंगे।